हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस वर्ल्ड में। तो मैं आज आप लोगों को स्कॉटलैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज़ की टीम देने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने कल बताया कि अच्छी टीम देना चाहता हूं, तो मैंने कल काफ़ी अच्छी टीम रही हमारे पेशावर वर्सेज क्वेटा की। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी विन हुई हमारे इसमें। थोड़ी मैं कल बिजी था इसलिए ज़्यादा ली नहीं पाया, लेकिन जितनी भी लगाया दोनों जीता। ये देखिए ये टीम है जिन्होंने मैंने आपने जिसे मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे दिया था, वही मैंने इसमें अपडेट किए थे। तो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे दिया था, तो यही मैंने बस चेंजेस किए थे कि सैमी को लाया था मैं नवाज की जगह, तो वो हमारा मानना गलत रहा, लेकिन राहत अली को लाएँ तो उसकी वजह से दोनों टीम सेम पॉइंट लाए। तो जिन्होंने अपडेट किया वो भी जीते, जिन्होंने नहीं किया वो भी जीते, क्योंकि एक पॉइंट का फ़र्क था। और हमारी टीम काफ़ी अच्छी थी, जिसने देख सकते हैं 20 मेंबर के ली में भी काफ़ी आसानी से जीत गए हमें। और स्मॉल लीग की तो बातें छोड़ दी, कितने के कप्तान नहीं खेले, कितने के बीसी नहीं खेले। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो लाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये टीम है जैसे कि लास्ट में आप लोगों ने देखा लास्ट मैच में कि सैमुअल्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया साहिब ने, इसलिए हम लोगों ने साहिब होप को लिया। वहीं हमारा मानना है कि आज गेल चलेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने गेल को लिया है। वहीं स्कॉटलैंड के बैटर कोइटजर एंड मैकलॉयड एंड लुइस। वहीं एक न्यूज है ये है कि मतलब हो सकते तो हैमस्टर जो है रिप्लेस हो सकते हैं किसी ब्रेथवेट या किसी और से, कंफर्म नहीं है बस इस बता रहा हूँ। तो वहीं हम लोगों ने मार्क सैमुअल्स को ड्रॉप किया है क्योंकि एडजस्ट करना था टीम को, तो होल्डर को लिया बैरिंगटन एंड शरीफ जो कि अच्छी फॉर्म में है बॉलिंग से। वहीं बॉलिंग साइड में रोच एंड ब्रैडवील एंड केमो पॉल। तो वहीं कप्तान होल्डर एंड बीसी गेल, तो आप लोगों को पता ही है। तो एक बार प्रीव्यू देख लीजिएगा हमारी टीम का एक आप लोग। तो अगर कुछ भी अपडेट होते मैं ट्विटर पे अपडेट कर दिया करूँगा, तो प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ से फॉलो कर लें हमारे ट्विटर पेज को। तो कल भी आप तो देख सकते हैं कि मैंने आप लोग देख सकते हैं मैंने कल वहाँ ये देख सकते हैं आप लोग कल मैंने यहाँ ये अपडेट कर दी थी 10 मिनट पहले करीब कर दी थी 8-10 मिनट पहले। तो मैंने लिख दिया था कि अपडेटेड टीम है जो जिसको चेंज करने कर ले अपने, बस सेम ही नहीं चले मगर ओवरऑल टीम अच्छी थी। तो आप लोग आज एक और न्यूज़ है कि मतलब पेशावर वैसे कराची में जो है कि अफरीदी हो सकते हैं, सो अफरीदी रूल आउट हो चुके हैं पूरे टूर्नामेंट से, तो वो नहीं खेलेंगे। उनकी क्रेडिट भी ज़्यादा थी, जो अच्छी ऑप्शन है आप लोगों की। फिर से मैं आज एक टीम दूंगा अच्छी खासी जिससे आप लोग विन करें। तो सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे आप वीडियो पहले देख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। प्लीज़ लाइक भी करें दोस्तों। बाय दोस्तों।